दोस्तों यूपी T20 लीग में रिंकू सिंह अपने घातक बल्लेबाजी से रचा नया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, यूपी T20 लीग का पहला सीजन खेला जा रहा है जिसमें रिंकू सिंह को मेरठ टीम का कप्तान बनाया गया है। तो वही मेरठ और कानपुर के बीच एक मुकाबला खेला गया जहां रिंकू सिंह अपने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 1 ओवर में 7 छक्के जड़ दिए थे और इन्होंने मात्र 10 गेंद में 50 रन ठोकर इतिहास रच दिया है और 10 गेंद और 8 शतक पूरा करने वाले विश्व के पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। ऐसा अभी तक किसी प्लेयर ने नहीं किया था। तो क्या रिंकू सिंह को भारतीय टीम में मौका देना चाहिए? नहीं, आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।